family, this is engineer Imtiaz and you are watching my YouTube channel Expert Solar Solutions। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो है जो मैंने घर में सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है एक्सपर्ट बाय ग्रोवार्ट 4KVA का, जिसको तकरीबन कोई 1 से 1.5 साल हो चुका है। 1 से 1.5 साल की परफॉर्मेंस मैं आप लोगों के सामने शो करूंगा कि आया कि ये मेरा सिस्टम प्रॉफिट में गया है, लॉस में गया है, कॉस्ट कितनी थी और इसने मुझे कंजप्शन यूनिट्स में 1 या 1.5 साल के अंदर कितनी दी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज यूजुअल जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आप लोगों के सामने ला सकूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सिस्टम मुझे लगाए हुए तकरीबन 1 से 1.5 साल हो चुका है। इन्वर्टर आप लोगों के सामने होगा, ये है एक्सपर्ट बाय ग्रोवार्ट का 4KVA का इन्वर्टर है विद बिल्टन MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ, जिसमें इसमें ये 2 चार्ज कंट्रोलर हैं, एक जो है वो नॉर्मल लोड के लिए है और दूसरा जो है वो टॉर्क लोड के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैंने इस इन्वर्टर को इस्तेमाल करते हुए 1 से 1.5 साल में अब तक कितने यूनिट्स तक इससे मैंने ले लिए हैं, आया कि प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे इससे कुछ फ़ायदा भी हुआ है कि नहीं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी मैं आप लोगों की इसकी सेटिंग्स में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि टोटल अब तक मैंने इससे कितने यूनिट्स लिए हैं। आप लोग ये जो है इसकी सेटिंग्स देख सकते होंगे। अभी पीवी से जो आ रहे हैं वो 196 वोल्ट आ रहे हैं और ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मतलब कि 6 पैनल्स का रिज़ल्ट है। मीन्स टू से कि मैंने अभी तक इस सिस्टम के साथ तकरीबन कोई अभी सिर्फ 6 पैनल लगाए हुए हैं और उसमें 4 पैनल वो जो लाट के थे वो हैं और बाकी 2 पैनल ए ग्रेड पैनल हैं टायर 1 के टेस्ला कंपनी के। तो 6 पैनल्स के साथ इसका रिज़ल्ट मैं आप लोगों के सामने शो करता हूं कि 6 पैनल्स के साथ इसने कितना रिज़ल्ट दिया है। आउटपुट पे देख सकते हैं बैटरी 27.0 पे है, आउटपुट पे लोड अभी 2% है, मीन्स के सिर्फ 28 या 36 वाट्स का लोड है। ये डे का है क्योंकि अभी डेट इसकी जो फर्स्ट मंथ है अभी जनवरी है 2021 का, तो ये 8 का लोड है, ये मंथ का है, ये ईयर का है। और ये देख लें कि अभी तक मैंने इससे आप लोगों के सामने होगा कि मैंने इससे 1.3 MWh मीन्स टू से के 1300 kW का लोड जनरेशन हुई है सोलर पैनल से 1 या 1.5 साल के अंदर। और आउटपुट पे इसने दिया है 1.4 MWh मीन्स टू से के 1400 kW का लोड मैंने इससे ऑलरेडी ले सका हूँ, ले लिया है मैंने 1400 kW मीन्स के आपके 1400 यूनिट्स जो समझ सकते हैं कि वापडा से जो हम लेते होते हैं। तो 1400 वाट तक का लोड अभी तक इस इन्वर्टर ने मुझे दिया है 1 से 1.5 साल के अंदर। और दूसरी एक और चीज़ है कि मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते होंगे कि मैंने इसके साथ सेटिंग्स किस तरह की रखी हुई है। और दूसरी चीज़ ये आप देख सकते होंगे कि मैंने इसके साथ वापडा इन ही नहीं की, मीन्स के टोटल जो है ये सोलर पे ही है, वापडा इसके साथ मैंने इन्हीं नहीं की। ये आप लोग देख सकते होंगे ये आउट है वापडा की, ये फैंस आप देख सकते हैं और बैटरी ये मैंने 2 इसके साथ सोलर ब्रेकर लगाए हुए हैं, एक है इसका हुंडई कंपनी का है मिस्टोबिशी का है और दूसरा ये है MEC का है, आप लोग देख सकते होंगे। ये मैंने लगाया हुआ है इसके साथ ओवर एंड अंडर वोल्टेज और करंट प्रोटेक्शन के लिए डिवाइस लगाई हुई है, साथ में ये चेंज ओवर है और बाकी सेटिंग्स भी आप लोग देख सकते हैं।
1400 वाट को मैं इसकी कैलकुलेशन भी आप लोगों के सामने लाऊंगा कि 1400 वाट का बिल अगर देखा जाए तो कितना बनता है। बाकी साइड से आप लोग देख सकते हैं इसको, इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है सिर्फ 6 पैनल्स के साथ। और बैटरीज, बैटरीज आप देख सकते हैं, बैटरीज को ये तीसरा साल है, ओसाका की बैटरीज हैं P175, 19 प्लेट्स के साथ है ये। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।